शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें अब दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। आपको बता दें कि अब एक बार फिर से कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई को 20 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका टाल दी गई हो, और इससे पहले भी कई बार कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका को या तो खारिज कर दिया है या फिर टाल दिया है। आपको बता दें कि शाहरुख खान की लाख कोशिशों के बाद भी अभी तक आर्यन खान को बेल नहीं मिल पाई। भले ही शाहरुख खान ने सबसे पहले आर्यन का केस लड़ रहे वकील सतीश मान सिंधे को रिप्लेस कर अमित देसाई को हायर किया हो, हालांकि अमित देसाई भी बेहद प्रसिद्ध वकील हैं, जिन्होंने ना जाने कितनी बार सलमान खान को बेल दिलवाकर उनकी सहायता की है, लेकिन वो भी अभी तक आर्यन खान को बेल दिलवाने में नाकामयाब ही रहे हैं। इस समय आर्यन खान की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब आर्यन खान को 20 अक्टूबर तक के लिए जेल में ही रुकना होगा। इसी को लेकर आर्यन के पिता शाहरुख और माँ गौरी बेहद परेशान है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आर्यन को जेल में कैदी संख्या N956 दिया गया है और वो 20 अक्टूबर तक के लिए अर्थर रोड जेल में ही बंद रहेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।